खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार के गया में चुनाव होना है और अब से कुछ ही देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। क्या चर्चा हो रही है? चाय के दुकान पर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? मुद्दा तो चुनाव का बढ़िया है, चुनाव का मुद्दा बढ़िया है। हम तो बीजेपी एनडीए का सरकार है, यहाँ हम एनडीए को हम लोग वोट देंगे। आप लोग किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? मोदी जी के सिर्फ जो काम किए हैं उनके मुद्दे पर दिया जाएगा। अच्छा, जो चाय बनाते हैं उनकी मुलाकात बहुत तरह के लोगों से होती है, हर पार्टी के लोग आते होंगे, समर्थक आते होंगे, तो यहाँ क्या चर्चा रहा इस बार, किस मुद्दे पर लोग ज्यादा चर्चा करते हैं? ज्यादातर तो बस मोदी जी के बारे में ही चर्चा है सर, बस हमें बस मोदी को ही लाना है। और ये राहुल गांधी महागठबंधन, इस पर ये सब कुछ नहीं। क्या है इस बार चुनावी मुद्दा, क्या रहा है? और अच्छा माहौल है चुनाव का। मैं तो वोट देने जा रहा हूँ गाँव अपने वजीरगंज जमुआ में, बहुत शानदार है चुनाव। क्या मुद्दा इस बार रहा है जिसको आप लग रहा है कि उस मुद्दे को आपने ज्यादा पकड़ा है और ज्यादा आपके दिल के करीब है? चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में तरक्की हो, हर अमीर और गरीब अच्छे तरीके से रहें और सेकुलर मुल्क के है, बहुत विकास और तरक्की की बुलंदियों पर चढ़े। जो भी पार्टी आए इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क में, उसी की तरक्की के लिए हम लोग वोट देने के लिए गांव जा रहे हैं वजीरगंज जमुआ में। पहले चरण का मतदान है, तो इस मतदान को लेकर के आप लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में क्या खास है? खास क्या रहेगा है, अरे हमेशा तो चुनाव होता है, हर 5 साल पर तो चुनाव होता ही है। जो सरकार काम कर रहा है बढ़िया, उन्हीं को चुनाव वोट देना है, और कहा हम लोग वोट नरेंद्र मोदी को ही देंगे। आप बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार, मैं गया का रहने वाला हूँ। मैं अच्छे नेता को चुनना चाहता हूँ जो हमारे देश के हित में काम करे, वो हमारे मोदी जी हैं, उनके मैं स्वीकार करता हूँ।